क्या एक्ट्रेस सना खान को उनके पति ने जबरदस्ती खींचा? ट्रोल होने के बाद अपने पति पर क्या बोली सना खान? दोस्तों, जब से एक्ट्रेस सना खान ने अपना पहनावा बदला है, शादी की है, तब से वो एक खास वर्ग के निशाने पर रहती हैं। हाल में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शामिल सना और उनके पति इस वीडियो को लेकर फिर बहुत बुरी तरह ट्रोल हुए हैं। अपने पति पर अब क्या बोली हैं सना, ये आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए माजरा क्या है। दोस्तों, इस पार्टी में आने से पहले जितनी भी सेलिब्रिटीज थी वो पोजेस दे रही थी कैमरे के आगे, लेकिन इस बीच सना भी वहां पहुंच गई। सना रुकी नहीं, अपने पति अनस के साथ वहां से निकल गई। अनस ने, उनके पति ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और कुछ इस तरह से उन्हें खींचते हुए वो ले जाते दिखाई दे रहे थे। चूंकि सना प्रेग्नेंट है इसीलिए उनसे चला नहीं जा रहा था और उनके पति अनस ने उनका जोर से हाथ पकड़ा हुआ था और वो तेजी से सना को ले जाते दिखाई दे रहे थे। और अंत में जब सना थक गई चलते चलते तो वो कुछ यूं अपनी बात कहती है। दोस्तों, इस वीडियो की कई चीजों को लेकर लोगों ने सना और उनके पति को बुरी तरह ट्रोल किया। पहली बात तो ये कि जब प्रेग्नेंट सना से चला नहीं जा रहा था तो उनके पति अनस उन्हें जबरदस्ती क्यों खींच रहे थे, लोगों ने कहा। सना के पति को लोगों ने बहुत ही इनसेंसिटिव कहा कि जब उनको दिख रहा है कि उनकी पत्नी से चला नहीं जा रहा है, वो खुद कह रही हैं कि वो थक गई हैं, तो फिर उनके पति उन्हें जबरन क्यों खींचे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जब सना बॉलीवुड छोड़ चुकी है तो फिर बॉलीवुड की पार्टीज में जाती क्यों है, वगैरह वगैरह। तो क्या वाकई में सना के पति ने सना को जबरदस्ती खींचा? दोस्तों, बुरी तरह ट्रोल होने के बाद सना खुद सामने आई है इस मामले में। सना ने बताया है, मैं जानती हूं कि मेरे भाई बहनों को, यहां तक कि मुझे भी ये वीडियो अजीब लगा, पर हुआ ये कि जब हम गाड़ी से बाहर आए तो ड्राइवर से हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। मैं देर तक खड़ी रही जिससे मुझे पसीना आया और मैं अनकंफर्टेबल हो गई। मेरे पति मुझे जल्द से जल्द अंदर ले जाना चाहते थे ताकि मैं आराम कर सकूं। मैंने ही उनसे कहा था कि जल्दी चलो, प्लीज आप इस वीडियो को गलत ढंग से ना लें। तो सना खुद बता रही हैं कि क्योंकि वो काफ़ी देर से खड़ी रह गई, ड्राइवर से कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो गई थी। जाहिर तौर पर मौसम भी बहुत ख़राब है, मुंबई में बहुत गर्मी है इस समय वहाँ, जिसकी वजह से वो आराम नहीं कर पाई और वो चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी अंदर चले जाएं ताकि वो बैठ जाएं, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएं। ऐसा करने के लिए सना खुद कह रही है कि उन्होंने अपने पति से कहा था। दोस्तों, बिग बॉस 6 की फाइनलिस्ट और एक्ट्रेस सना ने अचानक सबको तब चौंकाया था जब उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने के बाद साल 2020 में इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अनस सैयद से सूरत में शादी कर ली थी। तब से लेकर अब तक सना लगातार ट्रोलर्स के टारगेट में रहती है, खास वर्ग के टारगेट में रहती हैं। अभी हाल में उनकी प्रेगनेंसी को लेकर भी कुछ बेमतलब की ट्रोलिंग उन पर की गई थी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।